हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने 8th सेमेस्टर के बारे में। मतलब फाइनली हम जो अपने बी फार्मेसी 8th सेमेस्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। अब इस वीडियो में बेसिकली हम क्या समझेंगे कि 8th सेमेस्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है, उनके सब्जेक्ट कौन कौन से होने वाले हैं, और कुछ बातें भी हैं अजीब सी वो आपको समझनी होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट एक प्रोजेक्ट वर्क की बात होगी वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। बाकी फिक्र ना करो, जो आपके लेक्चर वीडियोज होंगे उनको हम वैसे ही शुरू करेंगे जैसे हम अब तक पढ़ाते आ रहे थे आपको नोट्स वगैरह लिख के, और वैसे ही करके। बाकी हाँ, थोड़ा बहुत रिकवर हो रहा है तो उसके लिए बस थैंक यू। चलो तो फाइनली अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर हमारी जो सबसे मेन चीज़ होगी बी फार्मेसी 8th सेमेस्टर, वो क्या होने वाले हैं, सब्जेक्ट। बाकी जो कैसे नंबर, कितने नंबर आते हैं, कैसा, तो वो सारी बातें आप पहले से ही जानते होंगे। तो यहाँ पर हम समझते हैं हमारे पास सब्जेक्ट होने वाले हैं चार। अब सब्जेक्ट में थोड़ी सी फेरबदल यहाँ पर क्या होगी, दो जो हमारे सब्जेक्ट हैं वो तो हमारे होने वाले हैं यहाँ पर परमानेंट, यानी कि वो हर किसी को चॉइस करने ही करने पड़ेंगे। एग्जाम अगर आपको देना है तो हर एक कॉलेज में ये वाले जो सब्जेक्ट हैं वो हमारे फिक्स होने हैं। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर हमारे हैं टोटल 10 सब्जेक्ट। अब इन 10 सब्जेक्ट में से सिर्फ दो सब्जेक्ट होंगे वो आपको चूज करने पड़ेंगे, और टोटल आपके यहाँ पर हो जाएंगे 4 सब्जेक्ट, इन्हीं के आपको एग्जाम देने हैं। अब कई कई यूनिवर्सिटी या कॉलेज तो ये मतलब ऑप्शन देते हैं कि आप अपनी मर्जी से इनमें से कोई से दो सब्जेक्ट उठा सकते हो, लेकिन कई बार क्या होता है कॉलेज वाले जो कॉलेज में अवेलेबल होता है वही सब्जेक्ट दे देते हैं, वही आपको चूज करने होते हैं। तो अब आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो आपको क्या पढ़ना है। बाकी मैं यहां सबका थोड़ा थोड़ा ब्रीफ इंट्रो दे दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करना कि हम कौन से दो सब्जेक्ट स्टार्ट करें, क्योंकि हम भी सारे तो पढ़ा नहीं सकते हैं। तो हो सकता है मैं 4 से 5 सब्जेक्ट कर दूं, तो ये दोनों तो मैं मतलब 100% है कि ये दोनों तो मुझे कंप्लीट कराने कराने हैं, जिसको हम बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, कल से स्टार्ट कर देंगे। और जो हमारे ये 10 सब्जेक्ट हैं इसमें से दो सब्जेक्ट तो मुझे चूज करने हैं, कोई से पढ़ाने हैं, बाकी एक आध और मैं कर दूंगा अगर आप लोगों की डिमांड ज्यादा आएगी तो। तो ये हमारे कुछ होने वाले हैं 4 सब्जेक्ट टोटल, मैं 4 से 5 करा दूंगा, बस इतना हो सकता है। बाकी यहाँ पर अगर एक और बारे में बात करें तो वो आएगा हमारा प्रोजेक्ट वर्क, और ये प्रोजेक्ट वर्क हमारा होता है 150 नंबर का, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये वैसे तो कॉलेज वाले हैंडल करते हैं, मतलब क्या करते हैं कॉलेज के जो टीचर होते हैं वो थोड़ी सी टीम बना देते हैं कि एक टीचर पे 4-5 बच्चे होंगे और वो मिलकर मतलब एक बंदे को सिंगल ही प्रोजेक्ट बनाना होता है। इतनी आपके लिए राय है कि जो भी आप मतलब प्रोजेक्ट के लिए अपना टॉपिक चूज करोगे वो आप ऐसा चूज करना जो आपके कॉलेज में परफॉर्म कर सको, क्योंकि जो 8th सेमेस्टर का प्रोजेक्ट है उसमें आपको कंप्लीट वो चीज़ परफॉर्म करके दिखानी ही पड़ेगी। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं, मान लो आपको एक्सट्रैक्ट निकालना है किसी का, धतूरे का निकालना है या किसी भी चीज़ का, या आपको मान लो हल्दी से कुरकुमिन निकालनी है, तो वहाँ पर इस वाले प्रोजेक्ट में आपको वो कुरकुमिन जो हमारा एग्जामिनर रहेगा बायवा वाला उसको आपको दिखानी पड़ेगी कि सर ये हमने कुरकुमिन यहाँ से ऐसे निकाली है, ये हमने प्रोसेस की ऐसे की, और उसी की आपको पूरी रिपोर्ट प्रोजेक्ट में तैयार करना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसा आपको प्रोजेक्ट चूज करना है जिसको आप परफॉर्म कर सको, आपके कॉलेज में अवेलेबल हो और टीचर्स आपकी हेल्प कर सके। तो ये हमारा प्रोजेक्ट वर्क का सिंपल सा फंडा हो गया, सब्जेक्ट आप समझ गए। बाकी अगर इन सबका मैं छोटा छोटा आपको ब्रीफ इंट्रो दूँ तो पहला हमारा यहाँ पर क्या है, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब इसमें सिंपल देखा जाए तो यहाँ मार्केटिंग के बारे में बात होगी, क्योंकि आपको बताया भाई दवाई बन गई हमारी फार्मेसी में, उसके बाद में हमें उन्हें बेचना है और ये सारे काम करने हैं। तो उन सब के लिए आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट, कैसे आप उसको बेचोगे, क्या करोगे, उन सब के बारे में आपको इस वाले सब्जेक्ट में पता लगेगा, चॉइस आपकी है आपको करना है कि नहीं करना है। सेकंड हमारा फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस है, तो रेगुलेटरी वर्ड से आप समझ सकते हो कि जैसे हम कोई दवा वगैरह बनाते हैं तो न्यू ड्रग के लिए जो अप्रूवल हमको चाहिए होता है उन सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद कौन कौन सी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं, यानी कि जो इस बार की इंडस्ट्रियल फार्मेसी थी उसी के ज़्यादा कुछ आपको ये देखने को मिलेगा, तो चाहो आप ये कर सकते हो। थर्ड हमारा फार्मेको विजिलेंस है। अब इसके बारे में तो आपको बताइए कि जैसे हमारी कोई दवा जब लॉन्च हो जाती है, बन जाती है, उसके बाद हम उसके पोस्ट इफेक्ट यानी कि एक तरह से सेफ्टी मार्जिन चेक करते हैं कि कोई दवा बाद में जाकर नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है, तो उसके लिए हमारा फार्मेको विजिलेंस होता है। बाकी इसको बहुत लोग चूज़ करते हैं क्योंकि इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है, तो आप चाहो तो ये कर सकते हो, कमेंट्स में बता देना। बाकी फोर्थ हमारा आता है क्वालिटी कंट्रोल इंस्टीट्यूशन ऑफ हर्बल, यहाँ पे हम जो हर्ब्स या हर्बल ड्रग होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, थोड़ा हर्बल ड्रग वैसा ही जो हमारा पहले था हर्बल ड्रग वाला सब्जेक्ट। फिफ्थ हमारा कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन आता है। अब इसमें क्या करते हैं, जैसे हमारा कंप्यूटर वगैरह पे हम कोई ड्रग बनाने जा रहे हैं तो उससे पहले हम उसकी थोड़ी सी डिज़ाइन वगैरह तैयार करते हैं, तो वो हमारा इसमें आ जाता है कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन में। सिक्स हमारे यहाँ पे आता है सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी, तो यहाँ पर जो हमारे सेल्स वगैरह होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करते हैं, उनके प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक ये वाली सारी बातें आती हैं। सेवन्थ में हमारा कॉस्मेटिक साइंस है, तो इसको आप अच्छे से जानते होंगे कि यहाँ पर आपकी जो लिपस्टिक वगैरह हो गई या कोई भी ऐसी चीज़ें हो गई उनके बारे में आप यहाँ पर बात करोगे, तो ये हमारा कॉस्मेटिक साइंस हो गया। फिर एट्थ हमारा आता है एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी, इसमें जो हमारे एनिमल होते हैं उनके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट आप करते हो उसके बारे में सारी बातें होंगी, और ये इंस्ट्रूमेंटेशन है इसमें इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात होगी, और ये डाइटरी सप्लीमेंट है थोड़ा बहुत डाइट के बारे में। तो ये 10 के 10 सब्जेक्ट है, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कौन क्या कैसे है। अब आपको डिसाइड करना है कौन से सब्जेक्ट है, और जो आप डिसाइड करोगे यानी कि जिन भी दो सब्जेक्ट के मैक्सिमम वोट आएंगे
मैं पोल भी डाल दूंगा और कमेंट्स में लिख के बता देना जिन भी सब्जेक्ट में मैक्सिमम 2 वोट आएंगे उन सब्जेक्ट को हम बहुत ही जल्दी स्टार्ट करेंगे। और अभी से हम क्या करेंगे, अपना बायो स्टैटिक वाला सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और इनका इंट्रो मैं तभी आपको दे दूंगा ये दोनों, क्योंकि इनको तो पढ़ाना ही है तो स्टार्टिंग में मैं तभी दे दूंगा। तो यही कुछ बातें थी हमारे बी फार्मेसी 8th सेमेस्टर के बारे में। अब आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है कमेंट्स में बता देना, बाकी बहुत जल्दी हम इस चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। सारी बातें थी हमारे 8th सेमेस्टर के बारे में, बाकी आप लोगों ने अब तक बहुत साथ दिया हमारे 7th सेमेस्टर तक, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी आई, ये भी आई तो हम नहीं कर पाए पूरा, तो अब बस हमारा 8th था, यहाँ पर हम इस चीज को कंप्लीट करेंगे, देन आपके सारे के सारे पुराने कंप्लीट हो जाएंगे। वेबसाइट आपके पास है, सब कुछ हम आपको फ्री में प्रोवाइड करते रहेंगे और आप ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। बाकी मिलते हैं आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में बायोस्टैटिक के साथ में। कोई भी डाउट आप कमेंट करके बता दो, सब्जेक्ट के जो भी डाउट आप कमेंट करके बता दो, कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। थैंक यू, टेक केयर एंड आप सभी लोग अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।